What hit? बहुत कम लगती है क्योंकि बीड़ी सिगरेट पी के घूमने नहीं देते ये मोटे मोटे पेड़ सूखे सूखे खड़े हैं। जब तक पेड़ लगे हैं वो सुरक्षित खड़े हैं। अब देखो बीच में भी पेड़ हरा भरा है ना, जिसमें पानी भरा हुआ है इसलिए वो पेड़ हरा है। तो गुफा पे आगे हुए आएंगे अपन। ये तो पूरी तरफ से घाटी आ गई। नहीं नहीं बीच में उजाला जो दिख रहा है ना ये कुएं के जैसा ओपन है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अशोक का पिक्चर देखो शाहरुख खान का सुना है तो अच्छी बात है। यहाँ पर शूटिंग हुई उसकी पूरे 2013-14 में पिक्चर आई थी चक्री। मैं अंग्रेजों ने इस जगह को नाम दिया रिज केव्स। रिज इसलिए कहते हैं आपस में ये दो पहाड़ जुड़े हुए हैं और नीचे भी जाते तो आपस में ऐसे दो पहाड़ जुड़ गए हैं। बीच में जो उजाला दिख रहा है वो कुएं के जैसा ओपन है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो दो पहाड़ों का मिलन होता है रिज RIDGE। फिर कुछ समय बाद लोकल के आदिवासियों को एक गुफा में से भालू का झुंड निकलते हुए नजर आ गया तो जगह का नाम पड़ गया रीछगढ़। रिच की जगह रीच हो गया। यहाँ पे अब तक 4 मूवी की शूटिंग हो गई है। तो सबसे पहले मूवी बनी थी तरकीब नाना पाटेकर की। तो तरकीब मूवी में एक गजल है जगदीश सिंह की आवाज में, किसका चेहरा मैं देखूं तेरा चेहरा देख करके, मेरी आंखों ने चुनाया तुझे दुनिया देख करके। इस गजल का शूटिंग यहाँ पे हुआ। फिर 2001 में अशोका मूवी बनी शाहरुख खान करीना कपूर का। तो अशोका मूवी में वो सीन दिया गया जो शाहरुख खान करीना कपूर को तलवारबाजी सिखाते हैं वो यहीं पे हुआ। नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े उनके ऊपर तलवारबाजी वाला सीन। फिर 2013 में शूटिंग हुआ चक्रव्यूह, अर्जुन रामपाल अभय देओल का नक्सलाइट में मूवी बना है। फिर 2020 में धाकड़ मूवी का शूटिंग होके गया जो अर्जुन रामपाल कंगना Thank you.
योगेश जब अशोक का मूवी शूटिंग चल रहा था ना, उसके दौरान उसने आदिवासी का भेष ज्यादा दिया है, तो वो आर्टिफिशियल रॉक पेंटिंग। ये भालू की तरह झुक के आना, थोड़ा सर को लग सकता है। ये देखो, ये 10 फीट गहरी गुफा है। ऐसी जगह भालू रहा करते थे, इसमें बैठ के बच्चे लटके हो। छोटा सा काला सा दिख रहा है, चमगादड़ का बच्चा। और इधर तो देखो, ये 15 फीट गहरा गुफा है। ये पानी से कट के बना हुआ, किसने बनाया नहीं, नेचुरल बना हुआ है। इसी जगह भालू रहा करते थे। चलो देखो आवाज आती रिपीट आती है, देखो आएगी, रुक जाओ भाई। कोई छुप रहा है भाई यहाँ पे, हम बचाओ चलो, बचाओ बचाओ, शेर आया, ये आएगा, गलत बोला तुमने, आएगा नहीं सकता भाई यहाँ पे। फिर से एक बात है ना, हम अमर है, कुणाल काला है। तो क्या लगती है भाई, चलो चलो चलो, अब रिफ्लेक्ट वापस आ जाओ, आगे चूतिया है। तुम्हारी तक पहुंचेगी आवाज, वो तो क्या गुफा बनाता नहीं है भालू, वो गुफा मिल जाती रहना शुरू कर देता है, मतलब चूहे के भेट में बनाता नहीं है।
उनके सामने वो छोटी तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। गाड़ी चली जाएगी? हाँ गाड़ी चली जाएगी, पैदल नहीं चलना वहाँ ज्यादा, बराबर रास्ते में आना जाना 500 मीटर होगा। असल में सनसेट टाइम था लेकिन सनसेट तो होना नहीं है, व्यू अच्छा है। किधर से तो आए थे, किधर से ही आए थे खाना के लिए, वापस जा रहे हैं ना।